चलो आ जा सबा जी। सबा कह रही दुआ करें पूरा महीना यहाँ रह जाओ, बारिशें होती रहे और सब ऐसे ही रह जाए इधर, है सबा? हाँ सही है। आहो वेखते पैनी अप्पू असि उत्तों दी आए हां। चल आ जा, चलो मैं क्या सैर थोड़ी करके आई है। आज है जुम्मा मुबारक तो मैंने कहा आज नया सूट पहनूं। और हाँ जी तो नया सूट आज पहनेंगे। ये है इसका दुपट्टा, ये इसका दुपट्टा है बड़ा ही खूबसूरत, ये देखें ये पहनेंगे आज। ये है ट्राउजर और ये है दुपट्टा। नहीं खाते, सूरज निकल रहा है। कैसा अबू जी सूट वधिया रहा? सब की सफाइयां चेक करें, लेट लेट के सफाइयां हो रही हैं सब। मौसम देखें, बदल साफ किता है। हाँ अम्मी ने बड़े शौक ना बनवाई आसा। हाँ इन्हना ने रंग उतार के फिर रंग पाया। अच्छा आहो आना बुच्छी ने, बुच्छी आएगी। निकली नहीं अले? नहीं अले बच्चे आएंगे स्कूलों फिर आएगी। अच्छा हाँ अबू जी वेट कर रहे हैं बस, सना ने कहा था ना उसने आना तो अबू जी अभी से वेट कर रहे हैं उसका। आज दी धुप निकलनी आज वेखो। चलो अपनी बाकी दिया धीआं नूं दवो कोई पैगाम कि ओ नहीं इत्थे ते किंज लगदा पिया। अपनियां बाकी धीआं नूं दवो ना मैसेज दवो कि ओ इत्थे नहीं ते किंज लगदा पिया, हुण ते किंज लगे। हां जी बिलकुल जी, नादिया आई है ते कोई रौनक आवे कोई है थोड़ी जी। जे नहीं हुंदी ते फिर ते इंज हुंदा संसार है, मेरी धीआं हुण ते रौनक लगदी घर। हां ते होर की, अल्लाह सलामत अल्लाह खुश रखे जी। खंग लग गई है अभी, आज ख़त्म दिलवाना है, जुम्मा है आज, दरस में हमने जाना है बच्चियों के, वहाँ फूड लेके रोज़ा खुलाना है और घर पे यहाँ भी करना है। अभी मैं देखती हूँ अगर कुछ फूड पैकेजेस आज बने तो कुछ वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करें। बाकी भाई के फार्म पे कल जो है वो बिग डोनेशंस होनी है इंशाल्लाह। गलियों में बहुत सारी औरतें इस तरह से फिर रही हैं, पता नहीं हर जगह से ले रही हैं, लेकिन लोग वो सफ़र कर रहे हैं जो सफ़ेद पोश, जो घरों में बैठे हैं, जो बाहर निकल के ले नहीं सकते, तो हम घर जा के देंगे। बाकी जो बिग डोनेशन है वो फार्म पे होगी, जो वहाँ के देहाती गरीब लोग आएंगे लेने के लिए। तो इंशाल्लाह आज और कल जो है जुमेरात, जुम्मा और हफ्ता, ये दोनों बिग डोनेशन इंशाल्लाह हम करेंगे आप सबकी सपोर्ट के साथ। आज मैं और साबा जा रहे हैं सामान लेने के लिए, आपको चल के मिलते हैं शॉप। आ जाओ मैं अगे बवा छोटे छोटे टींडे बन गए। आ जा सब, यहाँ से हम अब लेंगे सामान और फिर जाएंगे घर। चार डब्बे, चल ठीक है आ जा। सत्तर चाहिए दर्श में, मैं क्या मैं तो 2000 लेके आई हूँ बस, फिर तू घर भेज फिर लेने आ शाम। आहो घर दे जाएंगे, घर दे जाए सामान लगता लेके आ गए हैं। आई आई ले आओ तो वो छे है टिंडे और गोश्त ये पकेगा। ओथो लिया जूस ते पास्ता पुस्ता जरा शामी बनाना है पेट च दर्द जे।
एकदम आयो ना अंदर बारह उठ के नहीं जी, हम बाहर खड़े हैं। साबा ने दरवाजा बंद कर दिया है, चाबियां अंदर हैं। अब देख खोल गया है, चल शुक्र है, चल उत्ते भी कुंडी कंज खोली। फिर चाबियां लैनिया लो जी, चंगा काम होया। साबा कहती मैंने घर नहीं रहना अकेली, ने तड़िया चीजा पईया ने ताले ला के जाओ। इस मामले में ना बड़ी ऑनेस्ट है। अबू जी दियां लवां हुण चाबियां। अबू ने फरे किथे चाबियां रखियां ने। अबू ने जाना कमेटी, वहां लड़की इनकी ना बेटी बनी हुई है। मैंने कहंदे पहले चल ओनू मिल के आईए, चल के मैं क्या अच्छा चलो मिल लाने जाके। चल चलते आ जा साडे नाल। हेलो चाबियां एही ने ना, चलो यहाँ पे जी जो मैक्रोनी की सॉस बननी है उसकी तैयारी हो रही है। चार टमाटर, एक मीडियम प्याज और गार्लिक डाल के, हरी मिर्चें डाल के, नमक ज़ीरा डाल के इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से सना आई है तो गैस ही कोई नहीं, मैं तो कुछ पका ही नहीं सकी। साबा बेचारी नु भूख लगी, मैं जा तू समोसा ले आया अपने वास्ते। साबा बेचारी नु चक्कर आंदे पे ने, एडा बुरा हशर दा ते गैस सुबह दी कोनी। तू वेख ले मैं चीजा कट के रखियां ने, तीन के चार बजे अबू भी भुखे बैठे ने, रोटी कोई नी, अगा मुंह च वड़ गया है। तो बस जी फिर अब क्या करें, गैस भैन कोई नी, गैस नु गोला वजा आई इथे। चीनी वास्ते डब्बा वे किड्डा वधिया लियाई, फिर मैनू भी चंगे लगे, मैं क्या दो तीन होर लै किसके साथ बनाऊ लेख ल। मैं कहती हूँ ऐसी उम्मीदों पे पानी पड़ा, जब इसको खोले इस वजह से निकलता है कुछ नहीं हो, कुछ भी नहीं है। तीन वजदे पे बेचारे लोगों ने की करना है भाई। मैंने कहा था मैं मैक्रोनी बनाऊंगी ना, ये वाले कार्ड वाले ने आ गए मैक्रोनी में। आहो आहो ठीक है। हां कैसे जानना चाहिए कि भूख लगी हुई है, खा लो खा लो खा लो। हुन देखदा ही आसरा जे, देखदा ही आसरा जे। हुन बारिश हो गई, रस्ता सारा खराब हो गया, पता नहीं चैरिटी का उसे काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो पानी अब हो गया था बॉयल, उसमें हमने डाल दी मैक्रोनी। और यहाँ पे मैंने जो ये मसाला थोड़ा सा सोते किया था इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखेंगे इसमें जाएगी केचप। ये रेसिपी एक्चुअली सना की रेसिपी है और उन्हीं के लिए फिर मैं यही बना रही हूँ। पत्ती ने ना आके अच्छा चिली सॉस डाली है। इसमें जाएगी केचप,
ये भी गई और ये जो मैंने यहाँ पे पकाया हुआ है सारे मसालों को हम कर लेंगे इस तरह से ग्राइंड और यहाँ पे मैं डाल दी हूँ इसमें ऑयल, साथ मैंने डाला है थोड़ा सा जिंजर गार्लिक और साथ मैंने डाल दी है चिकन। चिकन को जो है ना हम अच्छी तरह से इस तरह से ब्राउन कर लेंगे, उसमें सोते कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से जब इसका कलर चेंज हो जाए यहाँ तक इसको भुने। अच्छा, ये मैक्रोनी अब बननी है शाम को अफ्तारी के टाइम पर, तो मैं अभी इसको सब ब्राउन करके रेडी करके रख लूँगी। इसको हम लास्ट मिनट पे असेंबल करेंगे हर चीज़ को, ताकि हमारी मैक्रोनी जो है वो गरम गरम रहे। जी हमारी देगें तैयार हो गई हैं जो आज अफ्तारी में डिस्ट्रीब्यूट होनी है। मैं और सबा जा रहे हैं देखने। तैयार ने वहाँ हम अच्छा है जरदे दी। हाँ फुला दी बनी। अच्छा चलो जूस कुड़िया का रोजा खुल। अबू ने आप ही थले उतरना बड़ा औखा है। आओ उतरना औखा है बस। चलो मोहजी भाई करना है अपने किचन में। तो देग आई थी पुलाव की, उसके साथ मैंने ये टिंडे गोश्त का सालन बनाया हुआ था। मैं कहा चलो हूँ मैं पास्ता जरा वो भी रेडी करके रख लवा। इसमें चिकन में मैंने डाली पेपर, ग्रीन पेपर, ते बंद गोभी और ये जो मिक्सचर मैंने ग्राइंड किया हुआ था इसमें मैंने क्रश चिलीज और नमक डाल के इसको अच्छी तरह से भुना। इसमें फिर मैंने सूट दी अपनी मैक्रोनी और मैक्रोनी को हमने करना है फिर अच्छी तरह से मिक्स, ताकि ये सारा यकजान हो जाए। जूस के डब्बे लियाओ दोवे टुकड़े ने दो ही आहो दो ही जाने ने आहो वो एक लोनी एक मिठी एक दरस से उते पई है ते सारी इथे मस्जिद जी के इधर उधर सारे बन रहे ना चावल जल्दी ना एक और करा दे सब ले आया भी और रहा मेरा तू आपी चोप आपे पई ने फड़ ले फड़ ले ने आपी फड़े चलो चलो वैसे दे आज ने उते आ जा आहो आहो अब बस आने हो नहीं दरस नहीं आने हां चल हाँ चल वधिया चलो घर आ गई है अब देखें देखें मैं क्या भी मैं मेरे को बिजी काम कर रही हूँ। मैंने पीछे से थोड़ा दूर से बनाओ ए उधर से आओ उधर से इधर अब तो मैं भी किन्ना के तुम हूँ अगर ले के जाओ मैं दस दे दूरों करके बनाओ ना सही बनेगी। चल बस बढ़ा दे फिर पीछे हो जाना। अच्छा ऐसे ना ये लो मानो एक मेरी
लो जी, सना डाल रही थी चावल, मैं आई किचन में, जो पेपर्स और सर्व कुछ था वो मिक्स हो गया हुआ था, तो मैंने इसमें डाली क्रीम। मैं क्या, अब जो है टाइम बस थोड़ा रह गया रोज़े में, तो मैं इसको बाकी फ़ाइनल टचेस दे दूं। और ये क्रीम वाला जो चिकन है सारा मैंने पास्ते के ऊपर इसको डोल के, इसके ऊपर जब मैं तोड़ूँगी हरा धनिया, और ज़बरदस्त इसकी आ गई है लुक। ये देखें, टिंडे गोश्त भी तैयार, उसके ऊपर भी डाल दिया धनिया। यहाँ पर बन रहे हैं फूड के पैकेट राइस के, जो मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इर्द गिर्द के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो बस ये सारे हम लोग डाल रहे थे इसमें, तो बड़ा ही चंगा लगता पिया सी। अम्मी नूं काम बड़े चंगे लगते होंगे सन, बड़े शौक नाल करते होंगे सन, मेक श्योर करते होंगे सन कि हर किसी के घर च चावल दिते जान, कोई मुस्तहिक ऐसा घर रह ना जाए जिथे ना दिता हो। आगे से आपने सुननी है साबा की स्टोरी, मजा ना आए तो पैसे वापस। दूजी बाजी आ गई ना, मैं तो कुछ नहीं कहती साबा, है ना। की खाना ही साबा, और दवाई खानी है, कोई पैरासिटामोल खानी है, गोली खानी है, पीड़ दी पुदीने दी बोतल पे लाई है ने। पुदीने दी किन्ने? 20 मिनट वाली बोतल ही सप्राइट कहती पुदीने वाली। अच्छा अच्छा, बाज फिर बाहर सोना ही क्यों? मैं कितने सोने? नहीं, नहीं मैं तेनू दसा, उस दिन ना साबा इत्थे सुती, मेरे नाल मंजी इत्थे डाक, है ना, छोटी मंजी ते सुती, ते मेनू ना राती इंज लग्या अम्मी सुते सची। इंसान बन गई। नहीं मैं हले साबा ना लैके जाना, मैं साबा नूं कपड़े लैके देने ने, साबा दे सोने जे सूट सवाने ने, हैं फिर वेखी साबा ने जेड़े इत्थों जाना है, इत्थों जाना है ते मेरे मुंडे वेखदे रहन कौन आ गया, कौन आ गया। मेरे ने जीरा किया सी, हां जी तारे घर आई दादा बू को बेड़ी का समझ आ पिला ले यार तेरे। हां हां, इकट्ठियां होईयां अग्गा पते नहीं मिलना कि नहीं मिलना, हां कोई दुखां दा पता लगदा है। मैं रोटी खानी, अच्छा ठीक है, मैं जाके रोटी दिती, सालन दिता रोटी दे के ना बैठी हूं, उन्हें रोटी पास की मेरा गोतल पै गई दो हथां ले सब तेरा कप है।
लोगो को जान बुझ के उतावला करना के देखो कपड़े आए सुन कपड़े निकल गए है ताकि बेचारे टकरा मार दे फिर इधर उधर सूट दिमाग चल आई हां नहीं नहीं वो कढ़न के थोड़ी देर बाद तू वेखी अच्छा जो तक लोगों को नशा लग गया ना लोगों के हाथ पैर डिंगे होंगे उदो सूट आ जाएगा हाथ पैर डिंगे हो गए आहो